अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरा डिनर रूटीन। राजमा चावल बनाया था मैंने और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरा ये रूटीन पसंद आएगा। सो कीप वॉचिंग। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इवनिंग का टाइम था, मगरिब की नमाज़ हो गई थी और अलीना की स्टडी वगैरह भी सब हो गई थी शाम की। उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा चावल, जो बहुत ही क्विक बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 2 कप्स राइस लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी से। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इसे मैं सोक करने के लिए रख दूँगी अराउंड 20 मिनट के लिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं राजमा बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 से 4 तेज़पत्ता, जिसे बे लीफ भी कहते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप किए हुए अनियंस और 2 to 3 फाइनली चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज़। अब मैं इसे अच्छे से पूरा सौते कर लूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। और जब हमारे अनियंस जो है वो लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब हम उसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसकी कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद में अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमेटो प्योरी। यहाँ पे मैंने 2 टमेटोज लिए थे और साथ ही मैं इसमें ऐड करेंगे रूटीन के मसाले, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक एंड सॉल्ट, और गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड किया था। इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। और इसके बाद में जब टमेटोस आधे कुक हो जाएंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे सोक किए हुए राजमा। राजमा को मैंने सुबह में ही भिगो के रख दिया था। अब राजमा ऐड करने के बाद में हमें टमेटोज और राजमा को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनना है, ताकि जो टमेटोज का जो जितना भी पूरा फ्लेवर है वो राजमा में चले जाए। और मैं राजमा को बॉईल करके नहीं डालती हूँ, बल्कि मैं उसे मसालों और टमेटोज में ही अच्छे से बॉईल करती हूँ, ताकि राजमा के अंदर जितना भी टमेटोज का जो भी फ्लेवर है, मसालों का फ्लेवर है, वो अच्छे से पूरा जज्ब हो जाता है। और ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद में अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 से 2 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे राजमा में। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे अराउंड 8 मिनट्स के लिए। और 8 मिनट्स के बाद में अब मैं इसमें ऐड करूंगी इनफ वाटर और अब हम इसे अच्छे से प्रेशर कुक कर देंगे अराउंड 2 से 3 सीटी के बाद में। इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे 10 मिनट के लिए और हमारे राजमा बन के रेडी हो जाएंगे। मीनवाइल मैं यहाँ पे सैलेड भी बना के रेडी कर दूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है टमेटोज, अनियंस और क्यूकम्बर। अब मैं इसे ऐसे रफली चॉप कर लूँगी और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और हमारा सैलेड बन के रेडी हो जाएगा। राजमा चावल के साथ में ये सैलेड बहुत अच्छा लगता है। बस ये सैलेड हो और राजमा चावल और थोड़ा सा अचार, तो बस ये बहुत ही एक परफेक्ट मील बन जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा राजमा स्लो फ्लेम पे बन रहा है, वहाँ पे चावल बॉईल हो रहे हैं। और ये मेरे दोपहर के बर्तन थे जो मैंने वॉश कर लिया था। और बस ये सब क्लीन करने के बाद में फिर मैं बच्चों के बेडरूम में चली जाऊँगी, उनका थोड़ा मोड़ा जो काम है वो देखने के लिए। और यहाँ देखिए अलीना अपने जो बुक्स वगैरह है वो सब रख रही हैं कल के स्कूल के लिए, और मैं यहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब प्रिपेयर कर रही हूँ नेक्स्ट डे स्कूल के लिए। मैं सब शाम में ही करके रख लेती हूँ, ताकि फिर सुबह के टाइम पर ज़्यादा रश ना हो, इसीलिए मैं ये सारा काम शाम में ही कर लेती हूँ। और ये देखिए अच्छे से प्रेशर देने के बाद में हमारा राजमा बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। इसे मैं अच्छे से 3 से 4 मिनट तक के लिए और बॉईल कर लूँगी और बस लास्ट में अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फाइनली चॉप किए हुए कोरिएंडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। और बस खाना बन गया था। फिर देखिए रात के 8:30 बज गए थे, तो मैं फिर फटाफट से बच्चों को पहले खाना खिला दूंगी, ताकि फिर खाना वगैरह खा के वो सो जाएंगे, सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। और बस मैं उन बच्चों के लिए खाना सर्व कर रही हूँ।
और बस ये देखिए यहाँ मैं बच्चों के लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ घी। बच्चों के खाने में मैं घी ज़रूर ऐड करती हूँ और इसी के साथ में थोड़ा सा सैलेड भी रख दूँगी। और ये प्लेट बन के रेडी हो गई है और बस इसी के साथ में मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।